नमस्ते, आइए आइए, हैप्पी धनतेरस। हाँ नमस्ते, हैप्पी धनतेरस। दरअसल वो मुझे गहने गहने है ना, एक से एक डिजाइन के हैं। बेटा तेरा नए डिजाइन के गहने दिखा। अरे नहीं नहीं, एक मिनट मिनट, वो मुझे गहने खरीदने नहीं है। तो मेरे पास ये गहने हैं, मुझे गिरवी रखने हैं। गिरवी रखने हैं? भाई साहब आपका नाम? मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, ये गोरेगांव ईस्ट में पाउडर गली, वहाँ पे गोकुलधाम सोसाइटी है, वहाँ का मैं एक मेरा सेक्रेटरी हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन आज तो धनतेरस है, लोग आज के दिन सोना खरीदते हैं और आप गिरवी रखने आए हो। दरअसल मेरी बेटी पहली बार बिजनेस कर रही है ना, तो उसी सिलसिले में पैसों की जरूरत है। भिड़े भाई आपकी बात बराबर है, लेकिन मेरा एक उसूल है, दिवाली के दिनों में और खास करके धनतेरस के दिन हम लक्ष्मी देते नहीं हैं, और धनतेरस के दिन तो धन की पूजा होती है। आप किसी और दिन आए होते तो मैं दे देता। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आपके पैसे आपको दिवाली के दिन ही लौटा दूंगा। देखिए आप भी व्यापारी है, आप समझ सकते हैं ना कि धंधे में कभी भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है। देखिए आप मदद करेंगे तो मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, गहने दिखाइए। थैंक यू। कितने रुपए चाहिए आपको? जी मेरी जरूरत सिर्फ 1.5 लाख रुपए की है, एक्चुअली इन गहनों की कीमत उससे ज्यादा है। देखिए भिड़े भाई, आप भले आदमी लगते हैं, आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपका मान रख के पैसे दे देता हूँ, लेकिन कुछ भी करके आपको दिवाली के दिन पैसे लौटाने होंगे। अगर आपने पैसे नहीं लौटाए तो ये गहने हमारे हुए, फिर बाद में झगड़ा करने मत आना। अगर आपको मंजूर है तो सोच लीजिए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, और पैसे मैं लौटा दूंगा इसकी गारंटी है, क्योंकि मेरा ऑर्डर तो नक्की हो गया है। बोलिए मंजूर है? हाँ हाँ मुझे मंजूर है। मैं 2 दिन का 5,000 रुपये ब्याज लूंगा, चलेगा आपको? जी जी बिल्कुल, आपको मैं ब्याज समेत पैसे लौटा दूंगा। ठीक है। ये लीजिए। थैंक यू। गिन लीजिए। अरे नहीं इसकी जरूरत नहीं है। और याद रखना आपको दिवाली के दिन पैसे लौटाने हैं। हाँ हाँ मैं दिवाली के दिन आके पैसे लौटा दूंगा। नहीं नहीं आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगा आपके घर। क्या एड्रेस बताया आपने? गोकुलधाम सोसाइटी, गोरेगांव ईस्ट, पाउडर गली। अच्छा फिल्म सिटी में बगल में है वही? हाँ वही वही। अच्छा अच्छा, तो मैं दिवाली के दिन रात को पैसे लेने आ जाऊंगा। चलिए थैंक यू। हाँ थैंक यू। अरे ये आत्माराम अभी तक आया नहीं, किधर गए? अरे भिड़े भाई को चॉकलेट का बड़ा ऑर्डर मिला है, उसी को पूरा करने में लगे होंगे। भाई इतना बड़ा ऑर्डर टाइम पे डिलीवर करना है, दिवाली सामने आ गई है तो बिजी तो होगा, बहुत बिजी होगा भाई। कई बात बताई, मानना पड़ेगा भिड़े मास्टर को, कमाल का आदमी है। सारा इंतजाम खुद कर लिया, पैसों का भी इंतजाम कर लिया, चॉकलेट बनाने का पूरा सामान भी मंगवा लिया, चॉकलेट बॉक्सेस के भी ऑर्डर कर दिए, और हमने से किसी की कोई मदद भी नहीं ली। नहीं नहीं सही में कहना पड़ेगा, मेरी तो भिड़े के लिए इज्जत बढ़ गई। जनरल आत्माराम यहाँ पर नहीं है तो तुम मुझका तारीफ करता है, और वो जब यहाँ पर होता है तब मुझका तारीफ नहीं करता। क्यों नहीं कर सकता? अगर वो यहाँ होता तो उसकी तारीफ मैं नहीं कर सकता, अगर मैंने तारीफ की होती तो वो उल्टा मुझे ही शिष्टता का भाषण देने लगता। सही बात है। और वैसे भी अय्यर भाई ये तो बहुत बढ़िया बात है ना, किसी की पीठ पीछे तारीफ करना तो बहुत अच्छी बात है। इतना बड़ा ऑर्डर टाइम में पूरा हो जाए तो अच्छा, वरना उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओ पप्पू तू हर समय नेगेटिव बात क्यों करता है? उसका ऑर्डर टाइम से पूरा क्यों नहीं होगा भाई? सही बात है। अरे होगा होगा भाई, ऑर्डर जरूर पूरा होगा। हाँ? लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, ये कमाल हो गया है, इस सोनू ने अपने छोटे से शौक के लिए चॉकलेट बनाना शुरू किया था, और उस शौक से देखो लाखों का ऑर्डर है। पूरा होगा, पक्का पूरा होगा, क्योंकि भावना अच्छी है। यही बात है मेहता साहब, बड़े मास्टर की तो दिवाली सुधर गई, उसके घर में तो खुशियां ही खुशियां है। भाई मैं भी बहुत खुश हूँ आतिफ भाई। हम सब बहुत खुश है। अरे भाई मेरे कहने का मतलब है कि इस दिवाली मेरी दुकान में भी बहुत बढ़िया धंधा हुआ ऐसे।
अरे वाह मुबारक, ओ यारो इस बार तो मैंने भी फट्टे चक दिते। ओ मेरा बिजनेस बहुत शानदार बहुत बढ़िया। अरे यार रब जी की बड़ी मेहर हुई, मैं तो रोशन डार्लिंग को बोल भी दिया है। ओए सोनिए इस बार दिवाली दो बार मनाएंगे। दो बार दिवाली मतलब? ओ अगले साल की दिवाली भी इस बार ही मना लेंगे ना। अरे भाई मेरा भी मन कर रहा है अगले साल की दिवाली की मिठाई भी मैं इसी साल खा लूं। पर ये तो हो नहीं सकता ना आतिफ भाई, क्योंकि आप इस साल की दिवाली की मिठाई पिछले साल खा चुके हैं। मेरे लिए भी इस साल दिवाली बहुत अच्छी जा रही है। मैंने 4 मैगजीन के दिवाली अंक में स्पेशल आर्टिकल लिखे हैं। ओ पप्पू मुबारक भाई मुबारक, वो 4 मैगजीन के दिवाली अंक में 4 आर्टिकल लिख रहा है और एक सुंदर सी कुड़ी से शादी भी कर ले। ओ हर दिवाली पे तू अपना छाता हाथ में लेके घूमता रहता है, सुंदर कुड़ी का हाथ पकड़ ले और शादी कर ले। देख छोड़े, तू चाहे मेरा कितना भी मजाक उड़ा ले लेकिन मेरे छाते के साथ मजाक मत। दिवाली इतनी अच्छी जा रही है, क्यों मूड बिगाड़ रहा है? छोड़ दो पोपटलाल को सोडी, इस साल हम सब मिलके जोर शोर से दिवाली मनाएंगे। पटाखे से याद है जयडलन, टबू को बोलना कि दिवाली के दूसरे दिन सुबह मेरे बालकनी के नीचे पटाखे नहीं छोड़ना। अरे यार भाई दिवाली का दूसरा दिन मतलब बेस्ट तो वर्ष, नए साल का पहला दिन और नए साल का स्वागत तो फटाके फोड़ के ही किया जाता है ना। हाँ हाँ, तो तुम्हारा बालकनी के नीचे फोड़ने को बोलो ना। नहीं 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 भाई, वो तो मैंने उसको पहले ही मना कर दिया है। हमारे घर की बालकनी के नीचे बिल्कुल फटाके मत फोड़ना सुबह सुबह, बहुत तकलीफ होती है। देखो अरे तो मेरे को भी तकलीफ होता है। आपको कैसे तकलीफ होती है? वो आपकी बालकनी के नीचे कहाँ फटाके फोड़ता है, वो तो सोसाइटी के पैसेज में फोड़ता है। जयड़ा लाल मेरा बेडरूम का विंडो पैसेज में ही खुलता है, तो मेरे को आवाज से तकलीफ होता है। अच्छा एक काम करो भाई, भाई छोड़ो इस बहस को, जेठालाल तुम टप्पू को बोलो कि वो मेरे घर के बाहर आके पटाखे छोड़े, मुझे कोई समस्या नहीं है। अरे मैं दादा मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं था। अरे पर वो आपके कहने का जो भी मतलब है उन्हें छोड़ो, आप रॉकेट साइंटिस्ट हो ना, तो मेरी गल का जवाब दो। बोलो। दिवाली में जब हम लोग रॉकेट छोड़ते हैं ऊपर जाके वो फूटता है तो हमको रोशनी पहले क्यों दिखाई देती है, आवाज हमको बाद में क्यों सुनाई देती है? इसलिए कि लाइट ट्रैवल फास्टर देन साउंड। रॉन्ग है। और देखो ये हमारी आंखें जो है ना वो आगे हैं और कान जो है वो पीछे हैं, इसलिए हमको पहले लाइट दिखाई देती है बाद में हमें आवाज सुनाई देती है। अरे सोनी ये सब छोड़ो, अरे कोई भिड़े को फोन लगाओ भाई, उसे पूछो इतना काम कर रहा है, कोई मदद की जरूरत तो नहीं है। हाँ मेहता साहब ये लो जी मैंने ये फोन लगा दिया। अरे वाह वेरी गुड, स्पीकर पे भी कर। हाँ बोल छोड़ी। ओ भिड़ो कितना यार। अरे हिसाब किताब कर, अरे हिसाब किताब कर रहा था, भुला दिया ना हिसाब। अरे भाई हिसाब भले भूल गया लेकिन हमको मत भूलना भाई। अरे नहीं नहीं वो सॉरी हाँ मैं सोडा शॉप पे नहीं आ सका, क्या है ना जरा काम में उलझा हूँ, इसीलिए फोन करवाया है कि भाई बहुत काम तुम अकेले मत करो, कोई मदद तो हमसे मांग लो, हम आ जाते हैं। हाँ हाँ बोलना भिड़े मास्टर। हम सब लोग मिलकर तुम्हारा काम फटाफट निपटा देंगे। हाँ क्या तेरा सब काम फटाफट निपट जाए तो क्या हम सब मिलकर साथ में दिवाली मना सकते है ना। सही बात है भिड़े मास्टर, मजा नहीं आएगा तुम्हारे बिना। और ना होगा क्या कि हम लोग दिवाली मना रहे होंगे और तू अपना ऑर्डर पूरा करने में लगा होगा। इसलिए भाई कोई भी काम हो तो बेझिझक बताना, हम सब मिलके पूरा कर देंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। एक काम करते हैं, कल सुबह मेरे घर पे मिलते हैं फिर डिसाइड करते हैं कैसे करना है। ठीक है ओके। ओ यारो कल पीड़ू के घर जाके उसका काम तमाम कर देते हैं। अरे नहीं छोड़ी के कहने का मतलब ये है कि भिड़े का जो काम है वो तमाम काम हम लोग मिलके कर लेंगे। अरे हाथी भाई, अरे चॉकलेट खानी नहीं है यार, पैक करनी है। अरे भाई चेक कर रहा हूँ ठीक तो बनी है ना। अरे हाथी भाई अब तक 10 बार चेक कर चुके हैं। अच्छा? ये क्या कर रहे हो? क्या मेरे बॉक्स से चॉकलेट क्यों लिया? वो मेरे बॉक्स में एक चॉकलेट कम पड़ रहा था इसलिए वो उसमें से लेके इसमें अभी हो गया। थैंक यू। अरे चॉकलेट कम पड़ रहा था क्या मेरे बॉक्स से लेने का? हाँ थैंक यू इसीलिए ले लिया ना।
जेठालाल चॉकलेट कम पड़ा तो मेरे बॉक्स से ले लेने का, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि चॉकलेट कम पड़ गया तो क्या मेरे बॉक्स से लेने का। अभी एक चॉकलेट के लिए क्या बच्चे की तरह रो रहे हैं। अरे मेहता से मैं चॉकलेट दे दो ना इनको। क्या भाई, एक मेरी तरफ से एक्स्ट्रा बोनस डाल दो। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, वो गिन के डालने का होता है ना एक बॉक्स। हेलो, हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, सॉरी भाई साहब, अभी और ऑर्डर नहीं ले सकते। नहीं, अभी काफी ऑर्डर है हमारे पास, अभी नहीं और नहीं ले सकते। हाँ सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ हाँ, अगले साल अगले साल। ओके थैंक यू। चलिए गर्मा गर्म चाय लीजिए। चाय दोस्तों, महिला मंडल और टप्पू सेना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे लिए इतनी मेहनत की और इतनी तकलीफ उठाई, थैंक यू सो मच। अरे आप भीड़ है, आप नहीं नहीं भिड़े, हमने तुम्हारे लिए किया ही नहीं, हमने तो सोनू के लिए किया भाई। थैंक यू अंकल। और पिड़ो, ओ माना तो एक थप्पड़ मार ले यार, वो ऐसे थैंक यू बोल रहा है। हां बाबा जी, चलो भिड़े मास्टर, अब हम लोग चलते हैं। हां बिल्कुल बिल्कुल, काफी वक्त। ओह देखो, काम में पता ही नहीं चला, सुबह के 4 बज गए। अरे मतलब दिवाली शुरू हो गई। हैप्पी दिवाली। ओह देखो सोनू, 1000 बॉक्सेस पूरे। देवा, सोनू की बनाई हुई चॉकलेट आपको अर्पण कर रहे हैं, इसका स्वीकार करना और आशीर्वाद देना कि सब अच्छे से हो जाए और कोई टेंशन ना। देवा, हमारी सोनू ने जिंदगी में पहली बार बड़ा कदम उठाया है, उसे सफलता प्रदान करना और उसे सद्बुद्धि देना, और हम गोकुलधाम वालों को ये नया साल अच्छा जाए और सबकी मनोकामना पूरी हो, ऐसा आशीर्वाद देना। चलो निकले, शर्मा जी भी आते होंगे अभी। दर्शन अच्छे से हो गए। बस तो ऑर्डर दिली कि अपन मोकले। देवा हैप्पी दिवाली। अरे हैप्पी दिवाली मिश्रा जी, अभी जी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली आपको। चलो मिलते हैं। अरे आदि भाई, भिड़े मास्टर। हैप्पी दिवाली भिड़े मास्टर। हैप्पी दिवाली आदि भाई, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली माधवी भाभी। हैप्पी दिवाली आपको भी। भगवान जी से आशीर्वाद ले लिया? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले वो ले लिए। ऑल द बेस्ट, बहुत बड़ी डील है। अरे भिड़े भाई। अरे अब्दुल, दिवाली मुबारक हो। थैंक यू अब्दुल। थैंक यू। अब्दुल आज दुकान बंद रखी है क्या? नहीं नहीं आदि भाई, आज दिवाली है ना, तो सोचा सबके घर पे जाके हैप्पी दिवाली विश करूं, बाद में दुकान खोलूं। सही बात है, वेरी गुड। चलो आदि भाई, अब्दुल हम भी चलते हैं, वो शर्मा जी आने वाले चॉकलेट लेने के लिए। चलो फिर मिलते हैं। ओके ओके ओके। चलो आदि भाई, मैं दुकान चलता हूं। अरे भाई मैं भी मंदिर चल रहा हूँ, चलो चलो चलो। हाँ माधवी, थोड़ी देर में ये 1000 बॉक्सेस डिलीवर हो जाएंगे और पैसे आ जाएंगे। और मेरे गहने भी छुड़ा लेना। हाँ हाँ, सबसे पहले तो वही करूंगा, इस बार दिवाली बहुत अच्छी जाने वाली है। बाबा 10 बज गए, शर्मा अंकल अभी तक आए नहीं। हाँ बेटा आते होंगे, मुंबई के ट्रैफिक का भरोसा नहीं है, आदमी लेट होता ही है। लेकिन जरा एक बार फोन तो करके देखिए। करता हूँ। शर्मा जी, क्या हुआ? नॉट रीचेबल आ रहा है ये। आजकल नेटवर्क का भी बहुत प्रॉब्लम है, एक और बार ट्राई करो ना। हाँ हो सकता है, नेटवर्क में भी ट्रैफिक जाम होता है। नॉट रीचेबल ही आ रहा है। मैं ट्राई करती हूँ, क्या है नंबर? हाँ ये देख। नॉट रीचेबल ही आ रहा है, थोड़ी देर के बाद ट्राई कीजिए ना, शायद लग जाएगा। अहो
क्या कर रहे हैं आप यहाँ? शर्मा जी को फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन नहीं लग रहा है। 11 बज गए, अभी तक नहीं आए वो, उन्हीं की राह देख रहा हूँ। लेकिन कब से खड़े हैं आप? आपके यहाँ खड़े रहने से थोड़ी वो आने वाले है। थोड़ा सब्र रखिए, आ जाएंगे। चलिए सलाम। हो हो हो। लगा? वो बात कीजिए। अरे वो फोन नहीं लगा। पता नहीं फोन क्यों नहीं लग रहा है। लग जाएगा, लिफ्ट में होंगे। हमारी बिल्डिंग में कहाँ लिफ्ट है? हमारी नहीं, उनकी बिल्डिंग में तो लिफ्ट होगी ना। आ सका है मतलब अभी निकले होंगे ऐसा? हाँ तो ठीक है ना, आ जाएंगे। माधवी, 1 बज गया है, अभी तक शर्मा जी का कोई ठिकाना नहीं है, फोन भी नहीं लग रहा है। कमाल है, अगर नहीं आने वाले तो फोन करके बता देना चाहिए कि भाई लेट हो रहा है, या आप सामने से डिलीवरी कर दो। उन्होंने कहा था ना कि दिवाली के दिन उनको पूरे स्टाफ में चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करने। अभी आज के आज ये डिलीवरी नहीं करेंगे तो फायदा क्या? मुझे लगता है जरूर वो कहीं फंस गए होंगे, वरना 2 लाख एडवांस देकर गए हैं, कोई ऐसा क्यों करेगा, है ना? पर मुझे टेंशन हो रहा है माधवी की, अगर वो नहीं आए तो कहीं हम फंस ना जाए। बाबा एक काम करते हैं, उनके घर पे डिलीवरी कर देते हैं। हाँ। लेकिन उसके पहले उनके घर पे जाके चेक तो कीजिए कि वो है नहीं है। ये 3-3 बॉक्सेस उठा के लेके जाएंगे, ये अचार पापड़ की डिलीवरी जैसा थोड़ी है कि 2 थैली उठाई और चल दिए। अरे हाँ हाँ, लेकिन वो रहते कहाँ हैं? उनका एड्रेस? ये बाबा, उन्होंने आपको अपना कार्ड दिया था ना? अरे हाँ, उन्होंने कार्ड दिया था मुझे, मैंने कार्ड में से नंबर निकाल के सेव भी किया था, फिर कार्ड कहाँ रख दिया था? ओहो, ऐसा इम्पोर्टेंट कार्ड कहाँ रख दिया आपने? नहीं मतलब उस दिन मैं यहाँ खड़ा था, वो लोग यहाँ खड़े थे, और काफी सारे मतलब हॉचपॉच था यहाँ पे, नहीं चॉकलेट्स रखे थे, तपुसना यहाँ खड़ी थी, वो उस चक्कर में कार्ड कहाँ रख दिया? याद कीजिए ना कहाँ रखा। याद आया, वो कार्ड मैंने मेरे पैंट के जेब में डाला था। तुमने कहीं वो पैंट धोने में तो नहीं डाली ना? धो डाला। अरे बाबा आए, आसमान में हजारों फीट ऊंचाई पे एक वायुयान उड़ रहा और उसमें बीच हवा में ईंधन समाप्त हो जाए तो क्या हो? यही हुआ है भिड़े परिवार। भिड़े परिवार और सारे गोकुलधाम में निवासियों ने मिलकर चॉकलेट्स बना ली, जो इतना बड़ा ऑर्डर मिला था सोनू को। लेकिन अब मुश्किल ये है कि जिसने खरीदने का वादा किया है वो फोन नहीं उठा रहा। अब अगर वो नहीं आया तो, और ये चॉकलेट नहीं बिकी तो फिर क्या होगा भिड़े का? कि मित्रों, सबसे बड़ी चीज ये है कि परिश्रम तो कर लिया गया है, लेकिन उसका परिणाम क्या निकलेगा ये अभी तय नहीं है। भिड़े पे तो जैसे एटम बम गिरा है, क्या होगा भिड़े ने जो गहने गिरवी रखे हैं उसका? तो मुश्किल बड़ी लगती है, मुझे तो साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ कोई मुश्किल जरूर है। मित्रों, देखना यह है कि भिड़े परिवार की जिंदगी में ये दीपावली खुशियों का उजाला लेके आती है या चिंता का अंधकार। लेकिन इतना जरूर तय है कि आपके घरों में हंसी की फुलझड़ियां छूटेंगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, इस दीपावली के सीजन में जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए बोनस एपिसोड्स लेके आ रहे हैं शनिवार की रात की। तो इस शनिवार की रात भी ठीक 8:30 बजे देखना मत भूलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा का विशेष एपिसोड। और आज धनतेरस है, जब आप धन की प्रार्थना करें, धन की पूजा करें, तो ईश्वर से भिड़े के लिए भी प्रार्थना कीजिए, पूजा कीजिए कि उसने जो गहने गिरवी रखे हैं वो छुड़ा ले, धन मिले और चॉकलेट भी बिके और उसका भी धन मिले। लेकिन अभी ये किसी को पता नहीं है कि क्या होगा, क्या वो व्यक्ति आएगा जिसने चॉकलेट का ऑर्डर दिया, या वो आएगा ही नहीं, या भिड़े की चॉकलेट बिकेगी नहीं, और नहीं बिकी तो क्या होगा? लेकिन जो भी होगा देखेंगे आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। देखते रहिए, हंसते रहिए, शनिवार की रात 8:30। क्या बात है भाई, बहुत जल्दी में हो, कहीं जा रहा? अरे सुबह से इंतजार कर रही, थक गया हूँ मैं। अरे भाई, इंतजार तो मैं भी सालों से कर रहा हूँ। किसका? अपनी शादी का। पोपटलाल, मैं शर्मा जी की बात कर रहा हूँ, उनका ऑर्डर रेडी है 1000 बॉक्सेस का, सुबह 9:30 बजे लेने आने वाले थे, अभी तक नहीं आए। सुबह से इतनी बार फोन ट्राई कर चुका हूँ, नॉट रीचेबल ही आ रहा है। क्या बात करो, फिर तो जाओ जल्दी उनके घर, पता करो कहाँ है वो। अरे वही तो जा रहा हूँ। पोपटलाल, तुम कहाँ आ रहे हो, तुम्हें क्या छोड़ना है? हाँ, शर्मा जी के घर। अरे भाई, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, मेरी वहाँ जरूरत पड़ सकती है। हाँ चलो चलो जल्दी चलो भाई। भाई कैसे कोई मतलब ऐसे ऑर्डर लेने नहीं आ गया भाई? वही तो कमाल है। अब
हाँ ये शर्मा जी रुके भाई साहब, किससे मिलना है? तो शर्मा जी से मिलना। शर्मा जी तो बाहर गांव चले गए, ताला लगाया बंगलों पे। कहाँ चले गए? पता नहीं साहब। ए? वापस कब आएंगे भाई? वो नहीं पता साहब। अरे ऐसे कैसे बाहर गांव चले गए? वो आज सुबह मेरे घर पे ऑर्डर देने आने वाले थे। वो मुझे नहीं पता साहब। अरे भाई उनका कोई फोन नंबर वगैरह है आपके पास? नहीं साहब होगा, पर मेरे पास नहीं है साहब। पर हम उनका कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे? हाँ? नहीं नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब। ये पता नहीं को यहाँ छोड़ के शर्मा जी खुद पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अरे भाई तुम्हें कुछ तो पता होगा उनके बारे में। नहीं पता साहब। क्या पता नहीं लगा रखा है आपको? पता है मुझे कितना बड़ा नुकसान हुआ है? शर्मा जी ने मुझे खुद ऑर्डर दिया था चॉकलेट के 1000 बॉक्सेस बनाने का। हम तुमने दिन रात मेहनत करके वो ऑर्डर पूरा किया। वो आज दिवाली के दिन ऑर्डर लेने आने वाले थे और तुम बोल रहे हो बाहर गांव चले गए। अरे ऐसे कैसे चले गए? इससे बहस करने कोई फायदा नहीं भाई, चलो चलो यहाँ से चलो। सॉरी भाई सॉरी, और थैंक यू। हैप्पी दिवाली सर। अरे दिवाली निकल गया, हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं आप? हैप्पी दिवाली। शांति रख। अरे कैसे शांति रखू पोपटलाल, दिवाली के पहले दिन इतना बड़ा नुकसान हो गया है। मैंने माधवी को बोला था कि इतना बड़ा ऑर्डर हम लोग नहीं लेते, रिस्क है, लेकिन नहीं। शर्मा जी मिल जाए ना तो मैं उनकी दुनिया हिला दूं। मिल जाए तो ना, पर मुझे समझ भी नहीं आता कोई अभी इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है। अरे उन्होंने खुद बोला था कि स्टाफ पे चॉकलेट्स बांटने, इतना बड़ा ऑर्डर दिया है और बाहर गांव चले गए। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। टेंशन मत ले, कोई ना कोई हल निकलेगा। हल निकलेगा तो ठीक है, ये सबसे पहले मुझे माधवी को बताना पड़ेगा। चलो चलो चलो। अरे भीड़ भीड़ है, सत्यराम को नहीं लेना? अरे हाँ, ये टेंशन में याद ही नहीं रहा। एक काम कर, तू रहने दे, सखाराम को यही रहने दे। अरे नहीं 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 भाई, मेरा मतलब है तू टेंशन में, तू आराम से बैठ, सखाराम को मैं चलाता हूँ। ये ले छाता पकड़ ले। चिंता मत कर, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा भाई? अरे हेलो हेलो, ए आ गया भाई। माधवी को जाके क्या बताऊंगा मैं? और मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि जब सोनू को ये पता चलेगा तो उसका तो दिल ही टूट जाएगा। अरे भाई टेंशन मत लो, जो सच है वो बता दो। सच बोलने से आधा टेंशन दूर हो जाता है, पर वैसे भी कोई ना कोई हल निकल ही जाएगा। नहीं आएंगे वो। मतलब ठीक से बताइए ना। माधवी मैं उनके यहां गया। वो कहां गए हैं, कब आएंगे कुछ नहीं मालूम। और ये इतना बड़ा ऑर्डर बन के रेडी है, अगर ये नहीं बिका तो नुकसान तो पक्का। और मेरे गहने वो भी गिरवी रखे हैं। अरे हाँ, वो कांदुली के मोतीलाल ज्वेलर से यही के पैसे उठाए थे। अगर आज उनको पैसे नहीं लौटाए ना तो गहने गए समझो। मेरे बोलिए सोनू सुन लेगी, मेरे बोलिए। नहीं नहीं नहीं, सोनू को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ। अभी सारे चॉकलेट्स का क्या करेंगे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे क्या लगता है, शर्मा जी नहीं तो कोई और से, किसी और को तो चॉकलेट्स बेचने की कोशिश कर सकते हैं ना हम लोग। जैसे मेरे अचार पापड़ के कस्टमर हैं। हम लोग अलग अलग होटल्स में, अलग अलग मॉल्स में, दुकानों में जा सकते हैं। हाँ अम्मा, ये अच्छा आइडिया। मैं अभी चॉकलेट के सैंपल लेके जगह जगह जाता हूँ और जितना ऑर्डर मिल सके लेके आता हूँ। नहीं सिर्फ आप नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ आऊंगी। अरे नहीं नहीं माधवी, धूप में तुम कहाँ घूमोगे मेरे साथ? प्लीज मैं आऊंगी आपके साथ, सिर्फ सुख में साथ देने के लिए मैंने शादी नहीं की है आपसे। चलिए तो जल्दी से निकलते हैं, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हाँ चलो चलो। दरवाजा लगा दिया। मेरी वजह से आए बाबा कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए, गहने तक गिरवी रख दिए।
अब मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। सखारा में पेट्रोल नहीं, हम लोग रिक्शा से ही जाते हैं। पोपटलाल ने बताया कि वो चॉकलेट के ऑर्डर का कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो ऐसे कैसे शर्मा इतने बड़े ऑर्डर की डिलीवरी लिए बगैर बाहर गांव चला गया? सही बात है भाई। देखो ना जेठालाल, भी फोन करो तो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। ले तू बहुत भोला है भाई। अरे व्यापार धंधे में ऐसे फटाक से किसी पे विश्वास नहीं करते। पहले उसको देखना परखना चाहिए, उसके बाद ही उसके साथ व्यापार करना चाहिए। देखा था जेठालाल, तुम्हारे जैसा ही था। मेरा मतलब है तुम्हारे जैसा ही जेंटलमैन था। अच्छा, वो जाते वक्त 2 लाख रुपए एडवांस भी देके गए थे। हाँ। वो बिड़ो, एक और बार फोन लगा के ट्राई तो कर। अरे सोड़ी, मैंने बहुत बार फोन ट्राई किया, उसका स्विच ऑफ आ रहा है। देखो कितनी बार ट्राई किया। देखो एक बार और करने, रुक। वाकई स्विच ऑफ है, सॉरी जटप्रा। अरे भाई फोन को छोड़ो, उसमें टाइम वेस्ट मत करो। भिड़े आगे क्या करना है वो सोचो। तो चिंता मत कर, हम सब मिलकर तेरी सब चॉकलेट खरीद लेंगे, तुझे नुकसान नहीं होने देंगे। ये बहुत बढ़िया आइडिया है जेठालाल का। भाई एक आदमी नहीं खरीद सकता, लेकिन सब मिलकर तो खरीद सकते ना। खरीद लेंगे हम लोग। सही बात है, सब चॉकलेट खरीद लेते हैं। मैं पूरा साल चॉकलेट खाऊंगा, सब खा जाऊंगा। भाई थैंक यू वेरी मच, लेकिन 1000 बॉक्सेस है, आप खरीद खरीद के कितने बॉक्सेस खरीदोगे और क्यों खरीदोगे? नहीं नहीं, हम लोग आपको तकलीफ नहीं दे सकते, और हमने डिसाइड किया है कि हम लोग ही इसे बेच देंगे। पहले आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की है, आप लोगों के बहुत एहसान है हम पर। दिवाली के दिनों में हम लोग आपको और परेशान नहीं करना चाहते। आसमी भाभी, आपने क्या कहा एहसान? अरे ये शब्द बोल के तो आपने हमें पराया कर दिया। नहीं नहीं, नहीं। अरे अपनों में क्या है एहसान और क्या मदद? ये गोकुल धाम है, यहाँ एक आदमी की खुशी सबकी खुशी और एक आदमी की मुसीबत सबकी मुसीबत होती है। बिल्कुल सही बात है। जड़ालाल एक काम करो ना, सुंदर को फोन लगाओ ना। कौन सुंदर? अरे सुंदर तुम्हारा साला सुंदरलाल, वो पड़ा पड़ ये 1000 बॉक्स बेच देगा। क्यों, आपको क्यों ऐसा लग रहा है? तुमने ही तो एक बार कहा था ना कि सुंदरलाल इतना चैंपियन है कि वो हिमालय पर जाकर भी आइसक्रीम बेच के आ सकता है। पर वो अभी अहमदाबाद में है, अभी 1000 बॉक्स कभी वहाँ भिजवाएंगे कभी वो सब। नहीं नहीं बराबर है, इसलिए हमने तय किया कि हमारे जितने भी अचार वाड़ के कस्टमर है ना, हम लोग उनके पास जाएंगे, उनको ये सैंपल्स देंगे, कहीं ना कहीं से हमें ऑर्डर मिल ही जाएगा। हाँ। लेकिन भिड़े आज के आज इतने सारे बॉक्सेस बेचना थोड़ा मुश्किल नहीं लग रहा? पोपटलाल भले ही मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं विद्यार्थियों को सिखाता हूँ ना कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, तो मैं भी इसी राह पे चलूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे चॉकलेट्स बिक जाएं। चलो चल। भगवान करे भिड़े के सारे चॉकलेट के बॉक्सेस बिक जाए, अगर नहीं बिके तो। पोपो वो नेगेटिव गल क्यों कर रहे हैं यार? अरे भाई मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। अगर इसके सारे बॉक्सेस नहीं बिके तो इसकी दिवाली बिगड़ जाएगी, और अगर भिड़े दिवाली नहीं मनाएगा तो हमें भी दिवाली मनाने में मजा नहीं आएगा ना। एक काम करते हैं, हम सब मिलकर भिड़े की मदद करते हैं। अपने अपने जो भी जान पहचान वाले हैं सबको फोन करके हम ये चॉकलेट के बॉक्स खरीदने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। सही बात है। आप एक बार चॉकलेट टेस्ट तो करके देखिए प्लीज। चॉकलेट तो बढ़िया है, है ना? होममेड है, प्योर चॉकलेट। तो फिर कितना ऑर्डर लेंगे आप? आई एम सॉरी मगर आप थोड़ा लेट हो गए, आज दिवाली का दिन है, हमने सारा स्टॉक भर लिया है, हमारे 80% ग्राहक सारी चॉकलेट खरीद चुके। सर अब छोटा ऑर्डर लेंगे तो भी चलेगा? हाँ सॉरी मैम, आप देख ही सकती है पूरी शॉप चॉकलेट से भरी हुई है। आप अगले साल मैं आपको पक्का ऑर्डर दे दूंगा। थैंक यू थैंक यू। परेश भाई बहुत बढ़िया चॉकलेट है, आप एक बार खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। हाँ मैं क्या कहता हूँ पप्पू भाई, आप भी खाइए और अपने सारे एम्प्लॉयज को भी खिलाइए। 200 बॉक्स ले लीजिए ना अपने सारे एम्प्लॉयज के लिए। ओहो 500 बॉक्स आपने अपनी कंपनी के लिए पहले ले लिए? ओ ठीक है, 500 नहीं तो 250 ही ले लो।
ना जी ना, ओ बाबा जी की मेहर है, मेरा गैरेज बहुत बढ़िया चला है, मैंने अपना चॉकलेट का बिजनेस शुरू नहीं किया, वो अपना दोस्त है आत्मराम तुकाराम पिड़ू, उसकी बेटी है सोनू, उसने बनाई है ये चॉकलेट। ओ ये चॉकलेट आप मुंह में डालो ना, ओए होए होए होए, एकदम मुंह में बल्ले बल्ले होनी शुरू हो जाती है, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ जी। क्या आपके खानदान में किसी को चॉकलेट पसंद नहीं है? कमाल है। अरे शर्मा जी, मैं आपको बता रहा हूँ, जीवन में चॉकलेट का बहुत महत्व होता है। चॉकलेट मिठास का प्रतीक है, प्यार का प्रतीक है। उतना ही नहीं, चॉकलेट तो सेहत के लिए भी अच्छी होती है, और ये तो बहुत ही अच्छी चॉकलेट है, होममेड है। क्या ऑर्डर लिख लो अगले साल के लिए? नहीं रामनाथन, ये इसी साल के लिए है, अगले साल के लिए मैं अगले साल फोन करेगा। हाँ हाँ, ओके ओके। आज दिवाली आप काफी लेट हो गए। हाँ लेट हो गए, लेकिन थोड़ा सा ऑर्डर लीजिए आप। हाँ। मैं अभी आपका ऑर्डर नहीं ले सकता हूँ। अरे अगले साल आइए, आपका ऑर्डर मैं पक्का लूंगा। अच्छा, मतलब इस बार कोई चांस नहीं? नहीं, मेरा सारा माल भरा हुआ है, देखिए ना आप। ठीक है, थैंक यू। ठीक। माधवी, इतनी सारी दुकानों में जाके आए, कहीं भी ऑर्डर नहीं मिला, और मिलेगा भी कैसे? दिवाली के दिनों में एन मोमेंट पे कौन ऑर्डर देगा? जाने दो, अभी घर ही चलते हैं, किसी और दुकान में नहीं जाते। सोनू को क्या बताएंगे? जो सच है वो बताना पड़ेगा ना। थोड़ी देर पहले इन बॉक्सेस को देखकर हम लोग कितने खुश थे, अब इन्हीं को देखकर टेंशन हो रहा है। ये सोनू कहाँ गई है? गई होगी टप्पू सेना के साथ कहीं। अच्छा, वो आने के बाद उसको जो भी हुआ है वो तुम बताना, मेरी हिम्मत नहीं होगी। मैं नहीं, नहीं मैं नहीं बताऊंगी, आप ही बता दीजिए। अरे लेकिन क्या हुआ भिड़े? फिर वो मतलब ऑर्डर मिला? नहीं ना, ऑर्डर नहीं मिला, एक भी ऑर्डर नहीं मिला है। ओ खुदा, वो हम सब ने भी बहुत कोशिश की पर एक भी ऑर्डर नहीं मिला, और अभी कोई ऑर्डर मिलेगा भी नहीं क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, सारे दुकान ओनर ने अपना स्टॉक पहले से ही भर लिया है। मुझे तो इस बात का अफसोस हो रहा है कि जब सोनू को इसके बारे में पता चलेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा, उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। सिर्फ सोनू की नहीं, आप लोगों की मेहनत पर भी पानी फिर गया। सॉरी। उसमें क्या हुआ भिड़े बे? आप दिल छोटा मत कीजिए, जो होगा ऐसा हो गया, भूल जाइए। हाँ। मुझे बस इसी बात की चिंता हो रही है कि सोनू को इस बारे में पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। आई बाबा, आई बाबा। आओ आओ सुनो, आओ। मुझे आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। क्या? क्या हमें चॉकलेट्स का ऑर्डर मिल गया है? अरे वाह सोनू पुत्र, तू तो कमाल कर देता यार। कुछ बोल मुझे। हाँ मैं सच कह रही हूँ, हमें सारे बॉक्सेस के ऑर्डर मिल गए हैं, हजार के हजार पूरे। वाह क्या बात है, कितनी बड़ी खुशखबरी लाई हो तू। वाह सोनू बेटा, वाह, हम सब बड़े जो नहीं कर पाए वो तूने कर दिखाया है। हाँ हाँ एक मिनट जेठालाल, लेकिन भाई ऑर्डर किसने लिया, कौन है वो? वो आप सब लोगों को पता चल जाएगा, आज रात 8:30 बजे सोसाइटी में कोई आएगा और सारी चॉकलेट्स खरीद के लेके जाएगा। क्या कौन खरीदेगा? हाँ इतना बड़ा ऑर्डर किसने लिया, कौन आएगा, कुछ बताओ भाई। सुनो बहुत बड़े आदमी है, वो आएंगे तो आप जान जाएंगे। लेकिन सोनू इतना बड़ा ऑर्डर जिस आदमी ने लिया है उसके बारे में बता क्यों नहीं रही हो तुम? अरे बाबा आप उनको जानते हो, आप उनको देखोगे तो फटाक से पहचान जाओगे। ये? कौन है भिड़े मास्टर? हाथी अंकल, आप भी उनको जानते हो। अच्छा कौन है हाथी भाई? एक मिनट बताता हूँ। सोनू बेटा
उस आदमी का नाम क्या है? बहुत बड़ा नाम है। क्या नाम है? ओ सोनू बेटा, तू कितनी पहेलियां बुझा रही है, जरा बता देना कौन है वो। हाँ बोल ना सोनू। हाँ बोल बेबी। दया आंटी, उन्होंने बताने से मना किया है, पर वो 8:30 बजे आएंगे और सारी चॉकलेट्स खरीद के लेके जाएंगे। ठीक है, बताने से मना किया है नाम, लेकिन पक्का वो शाम को आएंगे ना? हाँ बाबा, मुझ पे भरोसा रखो। नहीं, तुम पे भरोसा है, लेकिन क्या है, पहला ऑर्डर लेके गुमनाम हो गया और दूसरा नाम बताने से मना कर रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तब ठीक हो जाएगा बाबा, 100% गारंटीड। भाभी सोनू पुत्र, तू देखो माल कर देता। और पिड़ो, और सोनू पुत्र इतना कॉन्फिडेंस से कह रही है तो समझ ले तेरा सारा टेंशन गया। ओ यारो, और टेंशन छोड़ो, हम लोग तैयार हो जाते हैं, रात को 8:30 बजे कंपाउंड में मिलते हैं, जम के दिवाली मनाते हैं। हाँ सच में मैं इतना खुश हूँ सोनू कि ऐसा लग रहा है कि 500 किलो का भार सर से उतर गया। सच में मेरी बेटी बड़ी हो गई यार। हे विघ्नहर्ता, आज सब ठीक कर देना, मेरे ऑर्डर को पार करा देना, जो ऑर्डर लेने आने वाले हैं वो टाइम पे आ जाए, मेरे आई बाबा को और परेशानियों का सामना ना करना पड़े, प्लीज। गणपति बाप्पा। हाय सोनू। हाय सोनू। सोनू सच में तूने लास्ट बॉल पे धोनी की तरह सिक्स मार दी। इतना बड़ा ऑर्डर लाई कहाँ से? फ्रेंड्स, उन्होंने बताने से मना किया है, पड़ो भारी, वो आएंगे तब तुम लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन सोनू, वो आएंगे ना, पहली बार जैसा तो नहीं होगा ना? हाँ हाँ गोगी, वो जरूर आएंगे, उन्होंने मुझसे वादा किया है। लेकिन नहीं आए तो? अरे गोगी तो ऐसा क्यों सोच रहा है यार, बी पॉजिटिव, रिलैक्स। हाँ सोनू, डोंट वरी, हम सबको तुझ पर पूरा विश्वास है, ये वो जो कोई भी है वो जरूर आएंगे। चलो चलो फ्रेंड, तो अभी रात को रेडी होके नीचे मिलते हैं और धमाकेदार दिवाली मनाते हैं। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और यही सिद्ध किया सोनू ने। सोनू ने अपनी लगन से और आप सभी के आशीर्वाद से सारी चॉकलेट्स भेज दी। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई इतनी सारी चॉकलेट्स खरीदी किसने? बता दूं, कोई सुन तो नहीं रहा ना, बता दे दो, ये सारी चॉकलेट्स खरीदी है सुपरस्टार अजय देवगन जी ने। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, अजय देवगन ने खरीदी है सारी चॉकलेट। अब ये बात मुझे पता है कि उन्होंने खरीदी, और अब तो आपको भी पता है क्योंकि मैंने आपको बता दिया, लेकिन गोकुलधाम में किसी को पता नहीं है कि चॉकलेट अजय देवगन जी ने खरीदी है। अब चॉकलेट खरीदी है तो चॉकलेट लेने तो अजय देवगन जी आएंगे, तो आप सोचिए जब वो आएंगे तो अपनी नई फिल्म शिवाय के बारे में कितनी बातें करेंगे और साथ में किन किन कलाकारों को लेके आएंगे, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। और गोकुलधाम निवासियों का क्या रिएक्शन होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। तो आप देखना मत भूलिएगा, अजय देवगन जी आने वाले हैं यहाँ पे सोनू की चॉकलेट्स के लिए। और एक बात मित्रों, कल दीपावली का त्यौहार है, दीपावली का पर्व है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपनों के साथ दीपावली मनाएंगे खुशियों से, हमारी यही प्रार्थना है कि आप हर वर्ष इसी तरह खुशी से दीपावली मनाते रहें और हम आपको इसी तरह से शुभकामनाएं देते रहें। तो अब हम आपसे मिलेंगे सोमवार को ठीक इसी वक्त इसी चैनल पे, लेकिन मित्रों तब तक दीपावली की मिठाई आप भी खाइए, अपने मित्रों को भी खिलाइए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे टप्पू सेना, हैप्पी दिवाली। अरे सोनू का सोनू, सोनू क्या हुआ, वो चॉकलेट वाले अंकल आए नहीं अभी तक? आएंगे ना बाबा। एक काम करो ना, उनको जरा फोन लगाओ, पूछो कहाँ पहुंचे। मेरे पास उनका नंबर नहीं है। अरे कम से कम नंबर तो लेके रखना चाहिए था, अगर उनको एड्रेस नहीं मिला तो। नहीं बाबा, वो हमारी सोसाइटी को अच्छे से जानते हैं, उनको एड्रेस पता है। उन्हें एड्रेस पता है, तो अभी तो उनका नाम बताओ। बाबा मैंने आपको बोला ना, उन्होंने बताने से मना किया है, वो आएंगे तो आप उनको पहचान जाओगे। कमाल है, नाम बताने से मना किया है, फोन नंबर नहीं दिया है,
सोनू। हाँ बाबा, हम शॉप आएंगे, बस आते ही होंगे। अय्यर भाई, भगवान करे नए साल में आप बहुत सारे रॉकेट बनाओ और एकाध में बैठ के चांद पे पहुंच जाओ। लाल, मैं चांद पर नहीं जा सकता। क्यों? जेड़ा लाल, मैं एक साइंटिस्ट है, एस्ट्रोनॉट नहीं हूँ। किस तरह का नट नहीं है? अरे नट नहीं, एस्ट्रोनॉट मतलब अंतरिक्ष यात्री। ओ अच्छा अच्छा, हाँ तो ठीक है। भगवान करे आप साइंटिस्ट है, लेकिन आने वाले साल में आप उस तरह नट भी बन जाए और चांद पर पहुंच जाए। जयराम लाल, तुम मेरे को चांद पर पहुंचाना क्यों चाहते हो? क्योंकि चांद पे जाने वाले का पूरी दुनिया में बहुत नाम होता है ना। जयराम लाल, मेरे को चांद पर जाने का जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी मेरा खुद का एक चांद है। अय्यर, सब लोग हमेशा खुश रहना और इसी तरह हंसते रहना और हर साल इसी तरह सबके साथ दिवाली मनाना है। बापूजी, वैसे दिवाली त्योहार ही है खुशियों का, उजालों का और माँ लक्ष्मी का। मेरी तो यही प्रार्थना है कि पूरी दुनिया में उजाले रहे, हम सबके जीवन में खुशियाँ रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा हम सब पे बनी। वो बहुत जरूरी है। ओ पप्पू, और तू तो अगले साल दिवाली मनाने नहीं आएगा? और मेरा मतलब है अगले साल ये अकेले नहीं आएगा, अपनी खूबसूरत मोटी के साथ भी आएगा। ऐसी मेरी शुभकामना है जी। अरे भाई सोड़ी, पता नहीं तुम कितने सालों से ये शुभकामना देते आ रहे हो, लेकिन आज तक सच नहीं हुई। कब होगी तुम्हारी शुभकामना सच? अरे अरे भगवान पे भरोसा रख डिब्बे, सब अच्छा होगा। भरोसा है चाचा जी, ऐसा नहीं है। पोपट भाई, इस साल सबकी शुभकामनाएं पूरी होगी। अरे सुनो बेटे, 8:30 बज गए, वो जो चॉकलेट की डिलीवरी लेने आने वाले थे वो आए नहीं अभी तक। हाँ नहीं अंकल। तो कब आएंगे सोनू? हाँ एक बार आ जाए, डिलीवरी ले लेता क्या, हम सब टेंशन फ्री होके फिर दिवाली मना सकते हैं ना। लेकिन वो आ ही नहीं रहा है, कब से इंतजार कर रहे हैं हम लोग। तो वो आ नहीं रहा है, ऊपर से सोनू नहीं बता रही कि वो कौन है। सोनू बेटा, सच में कोई आने वाला है ना? पापा को खुश करने के लिए तुमने ऐसे ही नहीं बोला है ना? अरे नहीं नहीं जेठा अंकल, वो बस अभी आते ही होंगे। हाँ जेठा अंकल बोल रही है तो आते ही होंगे ना, अभी झूठ थोड़ी बोलेगी। हाँ सुना सुना सुना, मैंने सुन रे सोनू बेटा, बता भी दो किसने इतना बड़ा ऑर्डर दिया है बेटा। आप उत्तर दस्ता। हाँ सोनू बता दे यार। जी अंकल, वो एक बहुत बड़े आदमी है। सोनू मैं फिर से एक बार पूछ रहा हूँ, वो जो भी है वो आएंगे ना? उन्होंने वादा किया है कि वो जरूर आएंगे, तो वो आएंगे। माता जी करे सही हो। पर कब आएंगे वादा? अरे ये तो वो मोतीलाल ज्वेलर का फोन है। हाँ हाँ, 9 बजने वाला है ना, तो ये पूछने के लिए फोन किया होगा कि पैसे लेने कब आऊं। बाप रे देवा, आता काय करूं? वो उठाइए ना फोन। नहीं नहीं, ऐसे कैसे उठाऊं, मैं बोलूंगा क्या उन्हें? एक काम करता हूँ, फोन बजने देता हूँ। ओ सखा, तू मेरे गहने। भाभी भाभी, अरे क्या भाई, ये गहने पैसे, किसको पैसे चुकाने हैं, कहाँ से गहने लेने हैं, माजरा क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, किसका फोन है? वो दरअसल चॉकलेट का ऑर्डर पूरा करने के लिए हमें पैसे कम पड़ रहे थे, इसलिए मेरे गहने हम लोगों ने मोतीलाल ज्वेलर्स के पास गिरवी रखे। अरे तेरी कुड़ा है। अरे भिड़े तू पागल हो गया,
ऐसा कोई गहने गिरवी रखता है तो? सही बात है, तूने हम लोगों को बताया नहीं, बहुत गलत किया पीड़ू तू। माधवी भाभी आपको एटलीस्ट हमें तो बताना चाहिए था ना। अभी ये बताना पूछना छोड़ो, आगे करना क्या है वो सोचो। माधवी भाभी एक काम कीजिए, आप ज्वेलर से थोड़ी मोहलत ले लीजिए और गहने बाद में छुड़वा लीजिए। नहीं कुमल भाभी ऐसा नहीं कर सकते, गहने इसी शर्त पर रखे थे गिरवी के, अगर आज पैसे लौटा नहीं सका तो गहने उसके हो जाएंगे। अरे ये कैसी शर्त है भिड़े, ऐसा कहाँ होता है। हाँ सही बात है, और तुमने भी शर्त मान ली भिड़े मास्टर। क्या करे हाथी भाई, मजबूरी थी, हमें पैसों की जरूरत थी। अरे भिड़े पैसों की जरूरत थी तो गहने गिरवी रखने की क्या जरूरत थी, हमको नहीं बता सकता था। बता कितने पैसे देने हैं। 1.5 लाख रुपए। बोलो। पता नहीं कैसे लौटाऊंगा उसे पैसे। अरे भाई तू चिंता मत कर, हम सब मिलकर वो उसको लौटा देंगे पैसे। हम लोग आया ना, आने दो उसे, हम पैसे दे देंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी के पास से पैसे ले लूंगा, जो होगा वो देखा जाएगा। बस सोनू ने जिससे ऑर्डर लिया है एक बार वो आ जाए। अरे पर वो जो भी है कहाँ भाई, नजर तो आ नहीं रहा है, 9 बजने वाले हैं। अरे लगता आ गया। कहीं मोतीलाल ज्वेलर तो नहीं आ गया पैसे मांगने। ये दिवाली के दिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अरे देवा, ये अजय देवगन जी अभी इस वक्त यहाँ क्यों आ गए। अभी वो मोतीलाल ज्वेलर यहाँ पे आ गया तो अजय जी के सामने हमारी नाक कट जाएगी। कैसे हो गोकुलधाम वासियों, लो आज फिर से आ गया मैं तुम लोगों से मिलने। हम तो सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन अजय देवगन जी आप यहाँ आज अचानक गोकुलधाम सोसाइटी में हमें याद रख के आए, अचानक कैसे। अरे वो सब बातें बाद में करेंगे, पहले मेरे और मेरी परिवार की तरफ से आप सबको वेरी हैप्पी दिवाली, लक्ष्मी सरस्वती और गणेश जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। अजय बेटा तुम्हें भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। हैप्पी दिवाली अजय भाई। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अरे क्या बात है, आज आप लोगों में वो जोश नहीं दिख रहा है। छोटी पाजी आज आपने मुझे उठाया भी नहीं, आप लोगों का मूड कुछ ठीक नहीं है क्या। हाँ अजय भाई, वो दरअसल चॉकलेट का बॉक्स की डिलीवरी लेने एक भाई साहब आने वाले थे। लाल भाई आप चॉकलेट भी बेचते हो। नहीं नहीं मैं नहीं, ये तो हमारे एक मैं वो सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े जी की बेटी है ना सोनू, उसने शौकिया तौर पे चॉकलेट बनाई तो उसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला 1000 बॉक्स का, उसकी डिलीवरी लेने कोई आने वाला था। दरअसल हम कब से उसी का इंतजार कर रहे हैं लेकिन अभी तक वो आया नहीं है। बाबा वो ऑलरेडी आ गए है। कहाँ आ गए। यही तो है वो जिनका हम सब इंतजार कर रहे थे, हमारी सारी चॉकलेट्स अजय सर ही खरीदने वाले हैं। क्या क्या बोल रहे हो सुनो, मतलब जो चॉकलेट्स तुमने बनाई थी तुम बोले कि वो आने वाले हैं कोई खरीदने के लिए रात को। बहुत बड़े इंसान है, हम सब उन्हें जानते हैं, उन्होंने नाम बताने से मना किया है, वो और कोई नहीं फिल्म स्टार अजय देवगन है। हाँ। भाई तो विश्वास पसंद नहीं है। अरे मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है अभी भी। अपने तो दिल खुश कर देता। बता दो सुनो ये सब हुआ कैसे, अजय देवगन जी तुमको कहाँ मिले, तुम शूटिंग के बता दी थी, मतलब शूटिंग नहीं थी इनकी। बाबा शर्मा अंकल ऑर्डर लेने नहीं आए और जब मैंने आपकी बातें सुनी तो मुझे भी लगा कि इतनी सारी चॉकलेट्स काम करेंगे क्या, फिर मुझे याद आया कि मैंने नेट पे पढ़ा था तो मुझे लगा इनको मिठाई या चॉकलेट्स की जरूरत तो पड़ेगी, इसलिए मैं उनको मिलने चली गई।
देखो आई एम वेरी सॉरी बट तुम अजय सर से नहीं मिल सकती, ही इज वेरी बिजी, तुम प्लीज बाद में आना। बट मैम मैं जानती हूँ उनको, बस सिर्फ 5 मिनट। सो उन्हें तो सब जानते हैं, इज अ वेरी बिग स्टार। बट मैम वो भी मुझे जानते हैं, वो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में 3-4 बार आ चुके हैं। आप उनसे सिर्फ इतना कहिए कि गोकुलधाम सोसाइटी से सोनू आई है। आई एम रियली वेरी सॉरी, यू कैन नॉट मीट हिम, ही इज वेरी बिजी। अच्छा ठीक है, एक मिनट, आप मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, आप सिर्फ उनको ये चॉकलेट दे दीजिए और उनको बोलिए कि बस एक चॉकलेट टेस्ट कर ले। अरे लेकिन प्लीज 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 मना मत कीजिए, मेरे लिए बस इतना कर दीजिए, और अगर उनको चॉकलेट पसंद नहीं आए तो आई प्रॉमिस मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और फिर इसके आगे मैं बताता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, ये चॉकलेट का बॉक्स आपके लिए किसी ने भिजवाया है? चॉकलेट? माइंड ब्लोइंग चॉकलेट सर, किसने भेजी है? सर एक बच्ची अपना नाम सोनू बता रही है, शायद गोकुलधाम सोसाइटी में रहती है, आपसे मिलने की बहुत जिद कर रही थी लेकिन मैंने मना कर दिया बिकॉज़ यू आर वेरी बिजी ना। गोकुलधाम से आई है? अरे मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसको, चली गई। शी इज वेटिंग आउट। जल्दी भेजो अंदर। यू कैन गो इन। थैंक यू। अरे हाँ आओ सुनो बेटा। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, कैसे हो? बैठो 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 बैठो। सब कैसे गोकुलधाम में? सब परफेक्ट, मस्त। बिल्कुल तुम्हारे चॉकलेट की तरह। मुंह में डालते ही पिघल गई। कहाँ से लाई हो? इम्पोर्टेड है? नहीं नहीं, ये चॉकलेट्स एक्चुअली मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। रियली? या। इतनी अच्छी है। वेरी गुड बेटा। थैंक यू। तो मैं सोच रहा हूँ सोनू, इस दिवाली पर मैं सबको यही चॉकलेट्स बांटता हूँ, अपनी टीम को, अपने फ्रेंड्स को, अपने यूनिट को, अपने प्रेस को। तो पराग हमें कितने बॉक्सेस लगेंगे? अप्रॉक्स 1200। ठीक है, तुम 1200 बॉक्सेस भेज दो। सर मेरे पास 1000 चॉकलेट के बॉक्सेस रेडी है, उतने चलेंगे क्या? या विल मैनेज। ठीक है तो 1000 बॉक्सेस दो। आई एम सो ग्लैड सोनू तुम मुझे मिल गई। इस दिवाली पर मैं सबको कुछ अलग और कुछ अच्छा देना चाहता था और तुमने ये चॉकलेट्स ला के दे दिए, मेरा तो काम हो गया। थैंक यू सो मच सर, आपको पता भी नहीं आपने मुझे कितनी बड़ी प्रॉब्लम से बचा लिया। बचा लिया कैसे? वो सर मैंने ना दिवाली में बस यूं ही चॉकलेट्स बनाई थी। पता है मैं आपके पास ऑर्डर लेने ही आई थी और आपने मुझे ऑर्डर दे दिया। थैंक यू सो मच, मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। By the way, मुझे ये आपको कहाँ पे भेजनी है? आपका कोई एड्रेस या कुछ? नहीं सोनू बेटा, कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। मैं खुद शाम 8:30 बजे गोकुलधाम सोसाइटी आऊंगा, सबसे मिलूंगा और ये चॉकलेट्स लूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। That's amazing, sir. Sir, thank you so much. हाँ लेकिन सोनू, ये चॉकलेट्स मैं खरीदने वाला हूँ तुमसे, ये किसी को भी बताना मत। हाँ हाँ पक्का पक्का, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। थैंक यू अगेन सर, थैंक यू सो मच। अरे बेटा थैंक्स मत कहो, तुम्हारे जज्बे ने मेरा दिल जीत लिया है। तो मिलते हैं शाम 8:30 बजे गोकुलधाम सोसाइटी में। वाह 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 सोनू बेटा, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। बेटे जी आपकी बेटी में सिर्फ हुनर ही नहीं है, बहुत समझदार भी है। थैंक यू अजय जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया है। थैंक यू सो मच। अरे बेटे जी आपकी चॉकलेट खरीद कर मैंने आप पे कोई उपकार नहीं किया, ना ही आपकी मदद कर रहा हूँ। मैं तो सबको मिठाई बांटने वाला था, सोनू मिल गई, इसके चॉकलेट ट्राई किए, इतने अच्छे थे, लगता है मेरी किस्मत में लिखे थे। सही बात है। और आप अपने गहनों की भी बिल्कुल चिंता मत करना, मैंने मोतीलाल ज्वेलर से आपके गहने छुड़वा लिए। मान बढ़ गया इनके लिए तो आज। सच में अजय भाई आप पुरुष नहीं, आप महापुरुष हैं। बिल्कुल बेटा, ये लो आपके चॉकलेट्स का चेक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अजय जी वैसे तो मैं शिक्षक हूँ लेकिन आज मेरी भावना व्यक्त करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी शब्द नहीं है। मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे बेटे जी शुक्रिया मेरा नहीं, अपनी बेटी का करो, मैंने तो सिर्फ चॉकलेट्स खरीदे। और कौन कहता है कि लड़कियां पराया धन होती है,
दूसरों की अमानत होती है। बेटी चाहे पति के घर हो या पिता के, वो उस घर की लक्ष्मी होती है। वाह वाह अजय जी, क्या बात कही आपने। जितना बड़ा काम किया उससे बड़ी बात कही। अजय देवगन जी अंचा। आई बाबा मेरी पहली कमाई। अरे भिड़े, तुम्हारे घर में तो साक्षात लक्ष्मी है भाई। शौक के लिए एक काम किया था, लेकिन क्या बढ़िया प्रॉफिट मिला। और इतने बड़े स्टार के साथ शुरू किया बिजनेस है। ओ पिड़ू, ओ इस बात पे तो पार्टी शार्टी बनती है। नॉर्मल वाली पार्टी है। लेकिन ये बिजनेस मैंने पैसे कमाने के लिए नहीं किया है। मैंने डिसाइड किया है कि इस बिजनेस में मुझे जो भी प्रॉफिट हुआ है वो सब मैं टपू सेना के साथ जाकर गरीब और जरूरतमंद में बांट दूंगी, ताकि जो दिवाली नहीं मना सकते उनके घर में भी खुशियां आए। क्या बात है, शाबाश बड़ा। I'm so proud of you सोनू। थैंक यू बाबा। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सोनू बेटा वाह, बेटे उलगी सिकली प्रगति झाली। अरे आत्माराम तुकाराम भिड़े आणि माधवी बापींची एकमेव मुलगी सोनू यांचा। हैप्पी दिवाली। मित्रों, आपने अपने परिवार के साथ दिवाली धूमधाम से मनाई होगी और अभी तक दिवाली की खुशियां मना रहे होंगे, यही उम्मीद है। और यहाँ गोकुल धाम में दिवाली ढेर सारी खुशियां लेके आई है, और खुशियों के वाहक रहे श्री अजय देवगन। उन्होंने हमारी झोली में खुशियां भर दी, खासतौर पे भिड़े परिवार के लिए और सोनू के लिए। भाई, भिड़े परिवार को खुशी सिर्फ इतनी सी नहीं है कि अजय देवगन जी ने चॉकलेट्स खरीद ली। भाई बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े स्टार चॉकलेट्स भी खरीद दी, गहने भी छुड़ा लिए और दे दी ढेर सारी खुशियां इस दिवाली रात। और मित्रों, अभी तो यहाँ गोकुल धाम में दिवाली मनाई जा रही है, अजय देवगन यही है। तो सोचिए अजय देवगन गोकुल धाम निवासियों के साथ किस तरह से दिवाली और मनाते हैं, और उनकी झोली में और कितने सरप्राइजेस हैं हमारे लिए भी और आपके लिए। और हाँ मित्रों, आज से विक्रम संवत 2073 का शुभारंभ हो चुका है, यानी कि नव वर्ष। तो नव वर्ष के शुभारंभ पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम कलाकारों की ओर से, यूनिट के सभी कर्मियों की ओर से, निर्देशकों की ओर से, लेखकों की ओर से, और तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्माता श्री असित कुमार मोदी की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके जीवन में खूब खूब तरक्की लाए, हंसी लाए, खुशी लाए, और सबसे बड़ी चीज आप हंसते हंसाते यूं ही देखते रहें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।